आपने और आपकी मॉम ने मुझे झूठे इल्जाम में अरेस्ट क्यों करवाया? चलिए, मैं मानती हूँ आपकी फैमिली को नहीं पता था कि आपने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, लेकिन आप तो सब जानते थे ना। आप उन्हें पता के गलतफहमी दूर करके ये सब रोक सकते थे। और क्रेडिट कार्ड की बात तो छोड़िए, आपकी फैमिली को ये तक नहीं पता कि मेरी जॉब मुझे वापस मिल गई है। आप सब जानते थे, आप सारा कंफ्यूजन क्लियर कर सकते थे। अगर आप कर देते तो मेरी फैमिली को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। आपको अंदाजा नहीं है कि तुमको है क्या? कितना बोलती है तब से, चपड़ चपड़ चपड़, ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। काम डाउन डूड। और जो तुम कह रही हो ना, वो सब मुझे ऑलरेडी पता है। सो काम डाउन, रिलैक्स, ब्रीथ। मुझे ताड़ना बंद करो यार, कल ताड़ लेना। बाशन बाशन सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम कैसे नहीं, आपको सुनना पड़ेगा और मैं बोलूंगी तब तक जब तक मुझे, जब तक तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिल जाते। राइट, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 22,00,000। वाह, हाँ 22,50,000। और 22,50,000 तो आप जैसे इंसान के लिए कुछ नहीं होने चाहिए ना। जो 2.5 करोड़ दे सकता है अपनी बहन के दहेज में, दहेज नहीं था ना, वो तो क्या कहा था आपने, रोका गिफ्ट। या बिजनेस डील, बिजनेसमैन हूं तो इसे भी बिजनेस डील ही समझना चाहिए। साढ़े 22,00,000 ट्रांसफर कर दीजिए, मैं डिटेल्स आपको भेज दे। अमो, तू ये काय करती है? इट्स ओके आई, भाई पे झूठा इल्जाम लगाने की भरपाई तो करनी होगी। और वैसे भी ये मामूली रकम है इन अमीरों के लिए। हाँ लेकिन आई, साढ़े 22,00,000 देखी। डन। ग्रेट, डन। वैसे काफी सस्ते में बिक गई तुम्हारी सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। थैंक यू। यू आर वेलकम। अगर मैंने तुम्हें इन पैसों को लेने की वजह बता दी तो उसमें भी तुम्हें कोई बुराई नजर आएगी, क्योंकि तुम्हारी नजर ही ऐसी, औरत और पैसा एक साथ चुभते हैं तुम्हें। कैसे मुझे तुम मिल गए? डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।